प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहु सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद ऐसी पानी पूरी पार्टी करने का तो मजा ही आ गया। अरे अंजलि भाभी, आप लीजिए ना। नहीं नहीं, बस आप लोग खाइए। कम ऑन अंजलि भाभी, थाने में वो जो पानी पूरी वाले का इंसिडेंट हुआ उससे आप डर गए हो? हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अरे नहीं नहीं बहन जी, हम तो बहुत साफ सफाई से काम करते हैं। पानी पूरी के पानी में हम मिनरल वाटर यूज करते हैं और हाथ में हमने हैंड ग्लोव भी पहन के रखे। देखा देखा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक्चुअली मैं जरा डाइट पे हूँ। पतले तो है। सूट हमें भी अंजलि भाभी, एक खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। ओके ओके, एक मिनट, एक खाती हूँ, बस ज्यादा फोर्स मत करना। वेरी नाइस। लेकिन एक बात बताइए, अचानक आज ये पानी पूरी का प्रोग्राम कैसे बन गया? बस ऐसे ही। अरे नहीं रे नहीं, ऐसे ही नहीं, मेरा रोशन है ना सभी बच्चों को घुमाने लेके जाने वाला है, और इसी खुशी में मेरी तरफ से ये पी 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 पानी पूरी पार्टी। क्या बात है, सोनी भाई सब बच्चों को घुमाने ले जा रहे? हाँ, अभी जरा देर पहले रोशन ने मुझे फोन करके ये बात बताई, वो तो बहुत खुश थे गई बाबा। टापू भी मुझे कह रहा था कि सोनी भाई सभी बच्चों को घुमाने के लिए ले जाने वाले हैं। सोनी भाई की ये बात तो कमाल की है, वो कभी भी बच्चों की कोई भी बात नहीं टालता। अरे इसीलिए तो सब लोग सोनी भाई को दिलदार कहते हैं। वैसे एक बात है रोशन भाभी, सोनी भाई का जीवन के प्रति उत्साह ही कुछ अलग है। और मैंने ये भी देखा है, उनसे कभी भी कुछ भी कहो वो ना नहीं कहते। वो तो है। और टप्पू के पापा को कभी भी कुछ भी कहो हाँ नहीं कहते। क्या भाभी? अरे हाँ सच्ची, मैं कुछ भी कहती हूँ ना तो हमेशा दुकान में उनको फासम फास कोई ऑर्डर ही आ जाता है, और मैं कहती हूँ कि चलो हमने बस चलो ना तो हमेशा मुझे वड़का भरने लगते हैं। बोलो। ये मेरे हंस भी ऐसे ही हैं, कहीं बाहर जाने का नाम नहीं लेते। अरे एक बार मुश्किल से हम लोग वो वनराज भाई और गजराज भाई के यहाँ गए थे, तो वहाँ पर भी ये तीनों डॉक्टर भाई कोई सेमिनार अटेंड करने चले गए। भैया एक मस्त तीखे से पानी पूरी बनाना। मुझे मीठा चाहिए। वैसे सच बताऊँ तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है, जब भी मैं और तारक आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाने का प्लान करते हैं ना, उसी वक्त उनका अर्जेंट आर्टिकल लिखने का काम तो टपक ही पड़ता है। सेम हियर, कहीं ना कहीं से सडनली अय्यर को कोई एक साइंस प्रोजेक्ट मिल जाता है। लेकिन मारो रोशन तो अभी घनो मजेनो थे गयो छे, पुष्कर सुधर गया है बाबा। मैं जो भी बोलती हूँ वो सभी बातें मानता है, पार्टी शार्टी करने भी नहीं जाता, और अभी जास्ती गुस्सा भी नहीं करता है। ओहो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे बबीता जी, ये अय्यर भाई साइंसिस्ट है ना, तो आप उनको कहिए कि वो कुछ ऐसा प्रयोग करे कि हम पत्नी लोग पति को कुछ भी कहे वो फटाक से हाँ कह दे। दया भाभी, आपका विचार अच्छा है, पर अगर ऐसा कोई फॉर्मूला बना ना तो भी वो फ्लॉप हो जाएगा। अरे पता है क्यों? क्योंकि हमारे पतियों के पास हमारी एक भी बात मानने का समय है ही नहीं। Exactly. ये आपने सही बात कही। चलो अभी तो पेट भर गया है, पर रात के खाने की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना। तो फिर भाई ये लीजिए पैसे, कितने हुए? नहीं, मुझे भी दे दीजिए।
हंस कुछ कहोगे या नहीं? खाने के बारे में ना, खाना बहुत अच्छा बनाया कुमार। हंस, मैं खाने की बात नहीं कर रही। तो? सोड़ी भाई जो बच्चों को घुमाने ले जा रहे ना, उसके बारे में। सोड़ी ने नया ट्रेवल्स का काम शुरू किया है, उसने मुझे बताया ही नहीं। हंस प्लीज मजाक मत करो और सोड़ी भाई से कुछ सीखो। अरे क्या सीखो, और सोड़ी को थोड़ी गैरेज में खुद को गाड़ी रिपेयर करने के लिए बैठना पड़ता है। नहीं बापू जी, तो तू क्या खुद घर घर जाके टीवी की डिलीवरी करता है? ऐसी बात नहीं है बापू जी, लेकिन दुकान में 500 काम होते हैं। अरे तो दुकान में 500 काम तू करता है तो नटू क्या करता है? बापू जी रहने दे, कुछ बोल मत। रोज एक घंटा देर से उठता है, मतलब महीने में 2 दिन तो उठता ही नहीं। क्या है हिसाब कर, रोज का 1 घंटा मतलब 30 दिन के 30 घंटे हुए कि नहीं? सोटी को तो 1600 पे देख लूंगा, उसकी ऐसी बैंड बजाऊंगा बड़ा बेस्ट पापा बनने निकला है। क्या सोच रहा है बैंड बजाने का? नहीं, मैं सोच रहा था बापूजी वो सोटी को बेस्ट पापा का अवार्ड देना चाहिए। तो वो अवार्ड तो तुझे भी मिल सकता है। एक काम कर, थोड़ी के साथ कल तू भी जा बच्चों को लेकर। हाँ, कल तो मैं जा ही नहीं सकता बापूजी। क्या, कल पैरों में मेहंदी लगाने का प्रोग्राम है? नहीं बाबूजी, कल मैं सूरज जा रहा हूँ ना महेश भाई को मिलने। तो बच्चों को भी ले जा सूरज। मैं वहाँ काम से जा रहा हूँ बापूजी, तो वहाँ बच्चों को कहाँ घुमाऊंगा मैं? जब देखो तब बहाने। अरे तू बाथरूम। अच्छा मैं क्या कहती हूँ कि आप बच्चों को कल ही ले जा सकते, तो पैसा ले जाओ। रुक, इधर क्या हम लोग कोई खेल खेल रहे? वारा फरती वारो तारा पछी मारो। मैं तो ऐसे खाली सुझाव दे रही थी। चल अबे, सब पता है मुझे, सुझाव दे रही थी वाली चपली। नहीं तो बापू जी के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी? वो सोढ़ी को तो कुछ काम नहीं रहेगा, इसलिए बच्चों को घुमाने ले जा रहे, और तुम लोग बिना कुछ सोचे समझे बस सोढ़ी की तारीफ कर रहे हो। रोशन भाभी कह रहे थे कि सोढ़ी भाई तो उनकी सारी बातें मानते हैं। बोलो। अच्छा जा ले, क्या लेने जा रही है? जो आप बोलो। डुगडुगी ला, डुगडुगी और बचा, मैं तुझे नाच के दिखाता हूँ। अरे नहीं नहीं बाबा, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे नहीं, क्यों, सोटी सब बात मानता है ना रोशन भाभी की, तो मैं भी तेरी सभी बात मानता हूँ। बजा डुकडुकी, नाचता हूँ। आज तो सोटी की खैर नहीं, बड़ा उत्साही बनता है। मैं नहीं जानता क्या पार्टी शार्टी के लिए कितने खेल करता है। पाजी हम लोग चलते हैं, सुबह मिलेंगे। चलो यारो, थैंक यू वेरी मच, चलो भाई कल मिलने। मौज करो यार, जीता इतने टाइम के लिए कनाडा जा रहा है, तो पार्टी करना भी जरूरी है। रोशन को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं, क्या बोलूं? बोलना तो पड़ेगा। रोशन सिंह सोड़ी, फोन घुमा। शाबाश, यू कैन डू इट। और मेरी सोड़ी है, मन जा। सुन रोशन। सुना रोशन। वो सोनिया क्या है ना, वो मैं आज ना घर देर से आऊंगा, तकरीबन 2 बज जाएंगे मुझे। 2 बज जाएंगे, क्यों? वो क्या है ना, एक अर्जेंट गड्डी आ गई है। या कोई पार्टी आ गई है? हाँ सोनिया। मतलब तेरा पार्टी शार्टी करने का प्रोग्राम है? ओ नहीं नहीं सोनिया, पार्टी जो है ना वो पुरानी है, तो उसको अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है। अच्छा, तो तू देर से आएगा, देर से उठेगा और कल बच्चों को घुमाने नहीं लेकर जाएगा। रोशन ऐसा नहीं है। तो कैसा है? कुछ नहीं, जो अभी के अभी घेर आ जा। रोशन पर वो अर्जेंट गड्डी, तूने जो कहा था कि कोई भी गड्डी अर्जेंट नहीं होती। ओए रोशन सिंह सोनी, तूने ऐसा क्यों कहा था? रोशन वो समझा कर, पार्टी बहुत पुरानी है, वो यार उनको अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, जरा समझ। अगर पुरानी पार्टी है तो उनको बोल लो समझने के लिए, और उनसे पुरानी पार्टी जो मैं हूँ, बोल रहे कि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रोशन
रोशन, आज सभी औरतें तेरी कितनी तारीफ कर रही थी। तू एक लेट आ रहा है, पापा बच्चों को घुमाने नहीं लेकर जाएगा तो और कौन लेकर जाएगा? रोशन मने कहीं नहीं मालूम, अभी के अभी एक घंटे के अंदर मुझे घर पे चाहिए, नहीं तो मैं तुझे घर पे घुसने नहीं दूंगी। पर रोशन सुन, जो भी है घर पे आके सुना, समझा? रोशन, रोशन, फोन काट दिया यार। अरे यार, जीते की पार्टी में जाना जरूरी है, रोशन घर में घुसने नहीं देगी। और अब्बा जी, मैं खुद अपनी गलती से कहां अटक गया। ओए सोडी, ओए रेडी, ओए काहे का रेडी, मेरे वैरी। ओ वैरी, ओ वैरी मतलब दुश्मन। ओ यार, मैं तो तेरा यार हूँ, हुआ क्या? क्या नहीं हुआ, अभी तेरी रोशन परछाई को मैंने फोन किया था, वो इतने गुस्से में थी, अल्टीमेटम दिया, एक घंटे के अंदर घर पहुंच जा, नहीं तो घर में घुसने नहीं दूंगी। ओ मतलब अपनी पार्टी का क्या होगा यार? पार्टी? ओए अभी जीते की जगह लग रहा है मुझे कनाडा जाना पड़ेगा। ओ सोटी पाजी, कनाडा? ओ मतलब एक और पार्टी? ओ शदाई, ओ ये कोई मजाक का टाइम है? ओ सॉरी सॉरी, ओ मतलब तू परछाई जी की बात मानेगा या नहीं? मतलब घर नहीं जाएगा तू? ओए मैं घर भी जाऊंगा और घर से पार्टी में भी आऊंगा। ओए कैसे? इधर सुन, और मुझे घर जाना है, तेरी रोशन परछाई मेरा इंतजार कर रही है। ओ छेती जा। मम्मी मम्मी, पता है मेरे पापा सबसे बेस्ट पापा हैं। वो तो है, और बेस्ट हस्बैंड भी। नहीं, बेस्ट हस्बैंड से भी ज्यादा बेस्ट पापा है। नहीं रे, नहीं, बेस्ट हस्बैंड है। नहीं, बेस्ट पापा। अच्छा बाबा, ठीक है, बेस्ट पापा, ओके। और उससे भी ज्यादा बेस्ट मम्मी। मारो डायर लिख रो। चल अभी तू बैठ जा, मैं खाना लगाती हूँ। बैठ जा। मम्मी, आई बटू कौन साफ करते? गोगी पुत्र, सॉरी बोल मम्मी को। सॉरी? और रोशन सॉरी बोल रहा है यार। नो सॉरी, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सजा? चलो दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर करो। मुझे लगता है कि मम्मी हमें पंखे पर लटकाने वाली है। वो की गल कर रही है रोशन? अभी नया पंखा लगवाया है, टूट जाएगा यार। बोला ना, दोनों अपने हाथ ऊपर करो। गोगी, वो रिमोट लाओ। हाथ ऊपर। रहोगे। चालनी रोशन, अवे चाके मोनू हाथ धोई लेने, मस्त खाना खाते। हाँ, और जल्दी सो जाते। सुबह पापा टप्पू जाने का घुमाने ले जाने वाले। हाँ? और पापा कल कोई बहाना नहीं चलेगा? और कल तेरे पापा रोशन सिंह थोड़ी गड्डी चलेगी जिसपे पूरी टप्पू सेना घूमने जाएगी। पक्का? और पक्का,
और रोशन सिंह घोड़ी के हाथ से रिपेयर हुए इंजन की तरह पक्का। जागोगी तू भी जल्दी से मुनु हाथ धो ले हाँ, फिर हम लोग खाना खाते हैं, ओके? कौन छे? बल्लू आया? ओ तेरी। रोशन, तुझे कैसे पता कि बल्लू भाई आने वाले? खुशबू। हाँ, किधर है? खुशबू सोनिया, खुशबू, अपना बल्लू है ना, इतने स्ट्रॉंग परफ्यूम लगाता है कि बल्लू की खुशबू पहले आ जाती है, बल्लू बाद में आता है। देखा नहीं उसकी कितनी खुशबू आ रही है, पर वो बल्लू अभी तक नहीं आया। आजा बल्लू यारा, आजा। कहीं पन बोले छे, आवो नहीं बल्लू भाई। आजा बल्लू ब्रा, आजा। सत श्री अकाल अने वेलकम। ओ बड़े मौके पे आया बल्लू परा, ओ तेरी रोशन परजाई ने बड़ा चकास खाना बनाया, ओ चल मिलके खाते हैं। हाँ बल्लू अंकल, हम सब सच सच खाएंगे। थैंक यू पुत्र, पर आज क्या, अब तो रोज ही खाना साथ में खाना है। क्यों, मन्नत मानी है रोज हमारे यहाँ खाने खाने की? ओ मैं तो कहना सोडी पराजी, आज से आपके घर में खाना पीना सोना सब है। और नाना? हाँ पुत्र, वो भी इधर ही। हाँ हाँ बल्लू भाई, क्यों नहीं, आपका ही तो घेर है, पर थयोसु आप थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे हो। हाँ जल्दी बोल भाई। पर जय जी क्या बताऊँ, टेंशन का पहाड़ मेरे सर पे टूट पड़ा है। हाँ 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 पुत्र मैं दसदा, पर जय जी मेरे बड्डे जो भरा है ना परमजीत सिंह जी, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। हो खुड़ा है, पर क्यों? परमजीत टाया जी टीचर है। नहीं पुत्र, क्यों? क्योंकि स्कूल में ना टीचर ही हमें क्लास से बाहर निकालती है। जरा गपचुप बेसनी बाबा, बल्लू भाई हुआ क्या? पर जय जी राजी कहते हैं तू कुछ काम धंधा नहीं करता, निकाल दिया घर से बाहर। ओए तेरा परमजीत परा तो शदाई हो गया, ओए अपनी मनमानी पे उतर आया, आज तो उसने हद कर दी, तेरे को घर से निकाल दिया। रोशन तू जरा शांति रखनी बाबा। ओए अब शांति नहीं होगी, अब तो क्रांति होगी, ये परमजीत अपने आप को समझता क्या है? ओ चाचा जी ने मुझे कितने प्यार से कहा था दोनों प्रावों का ख्याल रखना, अब मैं चाचा जी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ओ सोडी ब्रा तू ठीक कह रहा है, पर तू तो जानता है उनका गुस्सा कैसा है, वो अभी इतने गुस्से में है तेरी बात नहीं मानेंगे। ओ ऐसे कैसे नहीं मानेगा, पहले जुबान चलेगी फिर हाथ पांव चलेंगे, अभी तू चल। ओए परमजीत परा को गड्डी की डिक्की में बिठा के ना पूरे मुंबई के दर्शन करा दूंगा। रोशन रोशन झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ झगड़ा करने कौन जा रहा है, ओ मैं तो उसे समझाने जा रहा हूँ, दो कान के नीचे लगाऊंगा उसका टायर पंचर बस। ठीक है रोशन, लेकिन सुबह चले जाना। पर जाए जी कल सुबह तक तो देर हो जाएगी, मैं कहना छोटी पाजी अभी चलो। हाँ चल बल्लू। ओ रोशन हम लोग अभी आते हैं। रोशन मैंने इतना सज्जू भोनू बनाया, कम से कम आप दोनों खाना तो खा कर जाओ नी। अच्छा ओ ये भी सही है, ओ खाना खा के जाते हैं। ओ बल्लू क्या है ना, खाना बना हो तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए, और फिर करते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम परमजीत को समझाने का प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी समझी। चल फिर खाना वाना लगा रहे हैं। मैं भी लिख कर। ओह आप उत्तर चलाना चलाना। आओ भैया। मित्रों हमारे मित्र रोशन सिंह सोडी, उनकी पत्नी और हम सब की रोशन भाभी से झूठ बोल के पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए ये झूठ जो होता है ये दिल पे बड़ा बोझ रखता है, सच बड़ा वजनदार होता है। झूठ बोलने वाले की याददाश्त बड़ी अच्छी होनी चाहिए और सच बोलने के लिए आपका मन मस्तिष्क और हृदय बड़ा मजबूत होना चाहिए। झूठ और सच का फर्क आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, जिंदगी में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। न जाने क्यों फिर भी हम सब लोग सच बोल के परिस्थिति का मुकाबला करने के बजाय झूठ बोल के परिस्थितियों से बचना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं कोई भाषण देने के मूड में नहीं हूँ, स्थिति यह है कि सोढ़ी जा रहे हैं पार्टी करने, अब रात भर पार्टी करने के बाद क्या वो गोगी और बच्चों को अपने घुमाने का वादा पूरा कर पाएंगे? भाई आपको क्या लगता है ऐसा होगा? पति अपनी पत्नी से झूठ अगर बोलता है तो उसे लगता है कि शायद झूठ बोल के वो बच गया, लेकिन
पत्नियां बड़ी चालाक तो नहीं लेकिन बड़ी बुद्धिमान जरूर होती हैं। उन्हें सब मालूम होता है कि हमारे पति कब झूठ बोल रहे हैं। जिंदगी में ऐसा मत कीजिए। अभी स्थिति यह है कि इतनी रात पार्टी करने के बाद सोढ़ी क्या करते हैं, क्या अपना वादा निभा पाते हैं या कुछ और हंगामे होते हैं। रात अभी बाकी है और बहुत सारी बात अभी बाकी है ढेर सारे ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.